आज हम सीखने जा रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट में जो आइटम्स हम लोग लिखते हैं हम उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा जो डिफरेंट आइटम्स होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे जो लिखे जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब हम देखते हैं उन आइटम्स के अलावा मजीद आइटम जो कि ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाते हैं आ सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। अब इससे पहले कि हम ये जानें ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते क्यों हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है वो हम जानते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट को जानने के लिए बनाया जाता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है ये हम पहले देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ये होता है जो हमारे बिजनेस की सेल्स होती हैं ऐसी सेल्स हम कहते हैं बिजनेस की जो हम लोग मेन जो बिजनेस का प्रोडक्ट होता है या बिजनेस की जो चीज़ होती है वो हम सेल जब करते हैं या जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड करने से जो हमारे पास अमाउंट आती है उसे हम यहाँ लिखते हैं सेल को हम लोग अपनी क्रेडिट साइड पे ये है हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट जिसकी क्रेडिट साइड पे हम सेल को लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग इस सेल को करने के लिए जो जो हमने अखराजात किए हैं जो जो हमने एक्सपेंसेस किए हैं इस सेल को बनाने के लिए यहाँ जो चीज़ हम सेल कर रहे हैं उसको बनाने के लिए या अगर हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो हमने अखराजात किए हैं उन एक्सपेंसेस को यहाँ लिखा जाता है। तो सेल्स में से हम फिर इन एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो जो हमारे पास आता है वो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अगर हमारी जो सेल्स की अमाउंट है वो ज़्यादा हो और एक्सपेंसेस कम हो तो ग्रॉस प्रॉफिट इस तरफ आ जाएगा लेकिन अगर हमारी जो एक्सपेंसेस हैं अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हों और जो सेल्स से हमारे पास जो अखराजात हैं वो ज़्यादा हुए लेकिन जो सेल्स से अमाउंट आ रही है वो हमारे पास कम आई तो हमारे पास लॉस आएगा। तो फिर हम किस तरह से लिखेंगे अगर हमारे पास लॉस आएगा तो वो यहाँ पे हम लोगों का शो होगा जी डॉट लॉस से हम लोग लिख लेते हैं ग्रॉस लॉस को। ग्रॉस लॉस हमारा इस तरफ शो होगा क्योंकि हम जो भी अमाउंट ज़्यादा होगी या एक्सपेंस ज़्यादा है या अगर सेल्स की अमाउंट ज़्यादा है तो उसे हम पहले यहाँ पे लिखेंगे और फिर ये जो ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो उसमें से बैलेंसिंग फिगर होगी। यानी अगर हम लोग यहाँ पे पहले प्रॉफिट को देखते हैं जो सेल्स की अमाउंट है हमारी अगर वो है 1000 तो हम यहाँ पे जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारे हैं 800 तो हम क्या करेंगे 1000 में से 800 माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगर सिचुएशन इसके रिवर्स है यानी जो हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो हैं 1000 तो क्या होगा जो सेल्स हमने की उससे हमारे पास अमाउंट सिर्फ आई थी 800 रुपये हम लोग यहाँ लिख लेते हैं रुपीस तो फिर क्या होगा यहाँ पे जो एक्सपेंसेस हैं इन एक्सपेंसेस में से हम जब अपना 800 रुपये जो सेल्स से आया था वो माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये ग्रॉस लॉस आ जाएगा। इसको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेल्स में से हम ये वो एक्सपेंसेस माइनस करते हैं जो डायरेक्टली वो प्रोडक्ट जो कि हम सेल करते हैं या जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो बनाने के लिए जो खर्चा हुआ है ये वो खर्चा है वो एक्सपेंस जब खर्चा माइनस करते हैं तो ये ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है और इसमें से वो तमाम खर्चे अगर हम लोग लेस कर दें जो कि बिजनेस के सारे खर्चे हैं जैसे अगर हम लोगों ने उधार लिया हुआ है हम इंटरेस्ट भी पे करते हैं इसके अलावा हमने जो बिल्डिंग है वो हमारी पूरी वो रेंट पे है तो हम लोग बिल्डिंग का रेंट भी पे करते हैं। इस तरह के हम तमाम खर्चों को अगर माइनस कर दें तो फिर जो हमारा आता है वो हमारा नेट प्रॉफिट होता है जो कि असल प्रॉफिट होता है तमाम खर्चों को माइनस करने के बाद जो सेल्स में से ऐसे एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्टली सेल्स से रिलेट करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए होते हैं वो माइनस करें तो वो हमारे पास फिर ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अब हम देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में मजीद एक्सपेंसेस कौन कौन से आते हैं। हमारी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कौन कौन से एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आते हैं जो कि ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखे जाते हैं। हम आज मजीद एक्सपेंसेस देखेंगे जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। हम मैक्सिमम एक्सपेंसेस को यहाँ देखेंगे कौन कौन से मैक्सिमम एक्सपेंसेस आ सकते हैं। 8 एक्सपेंसेस हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखे आज हम देखते हैं रॉयल्टी क्या होता है। ये भी एक्सपेंस होता है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा जाता है। रॉयल्टी हम असल में कहते हैं रेंट को जो रेंट हम पे करते हैं किसी से कोई इजाज़त लेकर काम करके कुछ कमाने के लिए हम जो रेंट पे करते हैं जैसे हम लोग मिसाल के तौर पर देख लेते हैं एक राइटर है जो कि बुक लिखता है। अब वो राइटर जो बुक लिखता है हम चाहते हैं कि उसकी बुक को हम पब्लिश करें पब्लिश करके उसकी बुक को हम सेल करें और जब हम पब्लिश करके हमने उस राइटर की बुक को सेल करना है तो हमें उस राइटर से इजाज़त लेनी होगी। अब जब हम उस राइटर से इजाज़त लेंगे तो राइटर एक फ़ी चार्ज करेगा जिसको हम लोग यहाँ पे रेंट हम लोगों ने भी लिखा फ़ी चार्ज करेगा या एक जो हम लोग उसकी बुक पब्लिश करके सेल कर रहे हैं उसका मुआवजा हम खुद रखेंगे तो उसके लिए वो हमसे एक अमाउंट चार्ज कर रहा है एक पेमेंट हमने उसे करनी है उस पेमेंट को हम लोग रॉयल्टी कहते हैं। तो इस तरह जो भी पेमेंट्स की जाती हैं किसी काम के लिए कुछ कमाने के लिए या किसी की फ्रेंचाइज हमने ख़रीदनी है वो ख़रीदने के लिए जो हम लोग अमाउंट पे करते हैं उसे रॉयल्टी कहा जाता है। अब जो रॉयल्टी हम पे करते हैं जैसे हमने यहाँ एग्जांपल ली बुक की बुक को पब्लिश करना है अगर हम लोग जो रॉयल्टी पे कर रहे हैं जो फ़ी हम पे कर रहे हैं वो हम लोग इस लिहाज से पे कर रहे हैं जितनी बुक्स को हम लोग पब्लिश करेंगे बुक्स की क्वान्टिटी के बेस पर अगर हम
फी पे कर रहे हैं, तो फिर हम इसे कहाँ लिखते हैं रॉयल्टी को, ये हम देखते हैं। इसके अलावा हम लोग फी ये भी पे कर सकते हैं कि जितनी बुक्स सेल होती हैं उसकी बेस पे हम जो फी है वो पे करें, रॉयल्टी की फीस जो है वो पे करें जितनी बुक सेल हो रही हैं उसके बेस पे। अगर हम जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितनी हम लोग बुक्स जो हैं वो पब्लिश कर रहे हैं उसके बेस पे अगर हम लोग पे कर रहे हैं फी, तो फिर ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखी जाएंगी। रॉयल्टी को फिर हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनकी नेचर ये होती है, अकाउंटिंग नेचर, एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है। डीआर से हमने यहाँ पर डेबिट को रिप्रेजेंट किया है, और जो भी सेल्स होती हैं बिजनेस की इनकम होती है उसे क्रेडिट किया जाता है, इसलिए हमने सेल्स को यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखा है। तो जो अगर हम क्वांटिटी के बेस पे रॉयल्टी पे कर रहे हैं तो उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे। इसके बाद है हमारे पास वेजेस। वेजेस क्या होती हैं? वेजेस वो खर्चा होता है हमारा जो कि हमने लेबर्स को पे करना होता है, लेबर्स की मजदूरी को वेजेस कहा जाता है। लेबर मजदूर होते हैं जो हमारे लिए काम कर रहे होते हैं, हमारे बिजनेस में काम कर रहे होते हैं। जैसे हमने कोई सामान मंगवाया है और वो हम लोगों ने लोडिंग करनी है सामान की, या सामान जो है वो उतरवाना है, उसके लिए हम लोग लेबर्स को पैसे देते हैं। इसके अलावा अगर हमने पैकिंग करनी है सामान की तो उसके लिए भी लेबर को हम लोग वेजेस देते हैं या मजदूरी देते हैं। अब जो मजदूरी है या जो हम लोग वेजेस देते हैं लेबर को, वो भी बिजनेस का डायरेक्ट एक्सपेंस है, जो कि जो हमने सेल्स करनी है चीज़ें उनसे रिलेटेड है, उनसे जो हमने सेल्स अल्टीमेट कस्टमर को पहुंचानी है उससे रिलेटेड हम लोग ये मजदूरी पे कर रहे हैं, वो सेल्स को सेल्स की कंडीशन में लाने के लिए हम ये वेजेस पे कर रहे हैं। तो ये भी एक्सपेंस है हमारा जो कि डायरेक्ट है, और हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, तो इसे भी हम अपनी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर यहाँ पर हम लोग इसे लिखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास अगला एक्सपेंस क्या है। यहाँ है हमारे पास डॉक चार्जेस। अब डॉक चार्जेस क्या होते हैं? जब हम लोग कोई सामान मंगवाते हैं, शिप्स के थ्रू सामान आता है या कार्गोस के थ्रू यानी मोटर व्हीकल के थ्रू कोई सामान आता है, तो हम लोगों ने उस सामान को अनलोड करना होता है, यानी शिप से उतारना होता है, कार्गोस से उतरवाना होता है। अब सामान को उतरवाने के लिए या अनलोड करने के लिए हम जो चार्जेस पे करते हैं, हम जो फी पे करते हैं, उसे हम डॉक चार्जेस कहते हैं। अब डॉक चार्जेस का जो ताल्लुक है वो उस सामान से है जो कि हम लोगों ने चीज़ें मंगवाई, हम लोगों ने परचेजेस की, और जो परचेजेस आती हैं हमारी वो हमारी आती हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे, क्योंकि परचेजेस करने के बाद उन चीज़ों को हमने सेल करना होता है। तो हमारे जो डॉक चार्जेस हैं वो भी हमारे आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में ही, डॉक चार्जेस को हम लिखेंगे। ये भी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंस है, एक्सपेंसिस को हम डेबिट करते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर हम इस एक्सपेंस को, डॉक चार्जेस को लिखेंगे। अगला एक्सपेंस देखते हैं हमारा क्या है। अगला एक्सपेंस है हमारे पास कोल, फ्यूल, गैस, ऑयल या मोटिव पावर एट्सेट्रा, इस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं। अब ये जो एक्सपेंसेस हैं, कोयला या ईंधन या गैस या ऑयल या एनर्जी जो यूज़ होती है, ये एक्सपेंसेस हम क्यों कर रहे होते हैं? ये एक्सपेंसेस हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी मशीन को चला सकें, मशीन जो कि हमारी प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती है, ये मशीन हमारी प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती है। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं हमारे सारे वो इसलिए होते हैं मशीन को चलाने के लिए। अब इस मशीन का इस्तेमाल प्रोडक्शन में होता है, और प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस होते हैं, जो चीज़ हमने प्रोड्यूस करनी है या जो चीज़ हमने सेल करनी है, उससे रिलेटेड हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे। तो ये हमारे जो इस तरह के तमाम एक्सपेंसेस होंगे जो कि मशीन को चलाने के लिए हैं, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आएंगे। इसके बाद है हमारे पास, यहाँ हम देख लेते हैं ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। अब ऑक्ट्रॉय ड्यूटी क्या होती है? ये जब हम लोग गुड्स परचेज करते हैं, हमने चीज़ें खरीदी हैं, और ये चीज़ें हमने कहाँ से खरीदी हैं, ये हमने किसी और सिटी से चीज़ें खरीदी, एक शहर से चीज़ें हमने दूसरे शहर से हमने चीज़ें मंगवाई अपने शहर में, तो ये जब हम चीज़ें मंगवाते हैं तो म्यूनसिपल कमेटी जो है वो लोकल गवर्नमेंट होती है जो कि एक शहर के लिए काम कर रही होती है, तो म्यूनसिपल कमेटी को हमने चार्जेस पे करने होते हैं, फी पे करनी होती है उन चीज़ों के लिए जो कि चीज़ें हमने मंगवाई हैं। अब जो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी है जो कि हमने चीज़ें फी पे करनी है म्यूनसिपल कमेटी को, ये भी हमारा खर्चा है। अब ये खर्चा जो है, जब तक हम लोग ये परचेज नहीं करेंगे तो हम लोग ये सेल कैसे करेंगे? तो ये खर्चा हमारा परचेज से रिलेटेड है, परचेजेस से रिलेटेड है, और परचेजेस हमारी जो हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस हैं बिजनेस का जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। तो इसी तरह जो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी है, ये भी हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर आएगी, और ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसके बाद देखते हैं हम कंज्यूमेबल स्टोर्स क्या होते हैं। कंज्यूमेबल स्टोर्स हम किसे कहते हैं?
मशीन को हम वर्किंग कंडीशन या राइट कंडीशन में रखने के लिए मशीन को हर वक्त हम साफ रखते हैं, उसके लिए हम थोड़ा खर्चा करते हैं, जैसे इंजन को हम ऑयल देते हैं, सोप यूज करते हैं या ऑयल ग्रीस को यूज करके मशीन की सफाई रखते हैं। अब ये मशीन को वर्किंग कंडीशन या राइट कंडीशन में रखने के लिए जो भी हम अखराजात करते हैं उसे हम अकाउंटिंग में कंज्यूमेबल स्टोर्स कहते हैं। तो ये जो हमारा खर्चा है ये भी अगर हमारी मशीन को हम राइट कंडीशन में नहीं रखेंगे तो हम प्रोडक्शन कैसे करेंगे। तो इस खर्चे का ताल्लुक भी हमारी प्रोडक्शन से है, जो कि हम लोग चीजें प्रोड्यूस करते हैं और चीजें प्रोड्यूस करके हमने सेल करनी है, तो इसका ताल्लुक हमारी प्रोडक्शन से है। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस हैं वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, तो इसलिए इसको भी हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे हम एक्सपेंसेस लिखते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे हम ये एक्सपेंस जो हमारा है कंज्यूमेबल स्टोर से रिलेटेड वो लिखेंगे। इसके बाद है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। हम अपने प्रोडक्शन को मैन्युफैक्चर करने के लिए यानी प्रोडक्शन को करने के लिए जितने भी फैक्ट्री में एक्सपेंसेस करते हैं उन्हें हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। ये एक्सपेंसेस हमारे कौन से हो सकते हैं, फैक्ट्री को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम फैक्ट्री का जिस फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं ये उस फैक्ट्री की बात हो रही है। अगर हम ऑफिस से रिलेटेड जो हम लोग जहाँ पे ऑफिस है हमारा जहाँ से हम सेल करते हैं वहाँ वो अगर अलग है तो उससे रिलेटेड खर्चे को हम अपने डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं कहेंगे। हम जिस फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं उस फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस जैसे लाइट हो गया, अगर हम उसका रेंट पे कर रहे हैं तो उसका रेंट भी हो सकता है, इसी तरह के और फैक्ट्री के जो खर्चे हैं वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं और ये हमारे प्रोडक्शन से रिलेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम मैन्युफैक्चर करते हैं चीजें बनाते हैं, इसलिए ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। तो ये 15 एक्सपेंसेस जिनमें से 8 हमने हमारी पिछली वीडियो में देखे और बाकी हमने हमारी इस वीडियो में देखे, ये एक्सपेंसेस आमतौर पर ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखे जाते हैं। तो आज हमने देखा ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट बिजनेस की होने वाली सेल्स में से उन सेल्स को जनरेट करने के लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं उन एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो आता है उसको फाइंड करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे हम एक्सपेंसेस लिखते हैं और वो एक्सपेंसेस क्या होते हैं और उन एक्सपेंसेस की क्या एक्सप्लेनेशन है ये आज की वीडियो में हमने जाना।